नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रामायण के बालकांड के तृतीय विषय के बारे में, विश्वामित्र का आगमन, जिसका शीर्षक है विश्वामित्र का आगमन। अयोध्यापति महाराज दशरथ के दरबार में यथोचित आसन पर गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और कई दरबारीगण बैठे थे। अयोध्या नरेश ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, जीवन तो क्षणभंगुर है और मैं वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जा रहा हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ही राजकुमार अब वयस्क भी हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि इस शरीर को त्यागने के पहले राजकुमारों का मैं विवाह देख लूं। अतः आपसे निवेदन है कि इन राजकुमारों के लिए योग्य कन्याओं की खोज करवाएं। महाराज दशरथ की बात पूरी होते ही द्वारपाल ने ऋषि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। स्वयं राजा दशरथ ने द्वार तक जाकर विश्वामित्र की अभ्यर्थना की और आदर पूर्वक उन्हें दरबार के अंदर ले आए। गुरु वशिष्ठ के पास ही आसन देकर उनका यथोचित सत्कार किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात राजा दशरथ ने विनम्र वाणी में ऋषि विश्वामित्र से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन में कृतज्ञ हुआ तथा आपके चरणों की पवित्र धूली से यह दरबार और संपूर्ण अयोध्यापुरी धन्य हो गई। अब कृपया करके आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। किसी भी प्रकार की आपकी सेवा करके मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। राजा के विनयपूर्ण वचनों को सुनकर मुनिषी विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपने अपने कुल की मर्यादा के अनुरूप ही वचन कहे हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की श्रद्धा भक्ति गो ब्राह्मण और ऋषि मुनियों के प्रति सदैव ही रही है। मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। आप समझिए कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे वांछित वस्तु देने का वचन दे तो मैं अपनी मांग आपके सामने प्रस्तुत करूँ। आपकी वचन न देने की दशा में मैं बिना कुछ मांगे ही वापस लौट जाऊंगा। महाराज दशरथ ने कहा, आपने संकोच अपनी मांग रखे। संपूर्ण विश्व जानता है कि रघुकुल के राजाओं का वचन ही उनकी प्रतिज्ञा होती है। आप मांग कर तो देखिए, मैं अपना शीश काट कर भी आपके चरणों में रख सकता हूँ। उनके इन वचनों से आश्रित ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ के पूर्ण आहुति के समय मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस आकर रक्त, मांस आदि अपवित्र वस्तुएं यज्ञ वेदी में फेंक देते हैं। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसा वे अनेक बार कर चुके हैं। मैं उन्हें अपने तेज से श्राप देकर नष्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि यज्ञ के समय क्रोध करना वर्जित है। मैं जानता हूँ कि आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। ऋषि मुनियों के हितेशी एवं प्रजावत्सल राजा हैं। मैं आपसे और आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने के लिए आया हूँ, ताकि वह मेरे साथ जाकर राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा कर सके और मेरा यज्ञानुष्ठान निर्विघ्न पूरा हो सके। मुझे पता है कि राम आसानी के साथ उन दोनों का संहार कर सकते हैं। अतः केवल 10 दिनों के लिए राम को आप मुझे दे दीजिए। कार्य पूर्ण होते ही मैं उन्हें सकुशल आपके पास वापस पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ को अत्यंत विषाद हुआ। ऐसा लगा कि अभी वे मूर्छित हो जाएंगे। फिर स्वयं को संभालकर उन्होंने कहा, हे मुनिवर, राम अभी बालक है। राक्षसों का सामना करना उसके लिए संभव नहीं होगा। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं ही जाने को तैयार हूँ। विश्वामित्र बोले, राजन, आप तनिक भी संदेह ना करें कि राम उनका सामना नहीं कर सकते। मैंने अपने योग बल से उनकी शक्तियों का अनुमान लगा लिया है। आप निशंक होकर राम को मेरे साथ भेज दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, राम ने अभी तक किसी राक्षस के माया प्रपंच को नहीं देखा है और उसे इस प्रकार के युद्ध का अनुभव ही नहीं है। जब से उसने जन्म लिया है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल भी नहीं होने दिया है। उसके वियोग से मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपसे विनय है कि कृपया करके मुझे सनेस चलने की आज्ञा दें। पुत्र मोह से ग्रसित होकर राजा दशरथ को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित होते देख ऋषि विश्वामित्र आवेश में आ गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं नहीं जानता था कि रघुकुल में अब
प्रतिज्ञा पालन करने की परंपरा समाप्त हो गई है। यदि जानता तो मैं कदापि यहाँ पर नहीं आता। चलो मैं चला जाता हूँ। बात समाप्त होते होते उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। विश्वामित्र को इस प्रकार दुखी होते देखकर दरबारी एवं मंत्रीगण भयभीत हो गए और किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना से वे कांप उठे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, हे राजन, पुत्र के मुंह में ग्रसित होकर रघुकुल की मर्यादा, प्रतिज्ञा पालन और सत्य निष्ठा को कलंकित मत कीजिए। मैं आपको परामर्श देता हूँ कि राम के बालक होने की बात को भूलकर एवं निशंक होकर राम को मुनिराज के साथ भेज दीजिए। महामुनि अत्यंत विद्वान, नीति निपुण और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। मुनिवर के साथ जाने से राम का किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, उल्टे वे इनके साथ रहकर शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में अत्यधिक निपुण हो जाएंगे तथा उनका कल्याण ही होगा। गुरु वशिष्ठ के वचनों से आश्वस्त होकर राजा दशरथ ने राम को बुला भेजा। राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वहां चले आए। राजा दशरथ ने राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके राम ने मुनिवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाने पर लक्ष्मण ने भी ऋषि विश्वामित्र के साथ चलने के लिए प्रार्थना की और अपने पिता से भी राम के साथ जाने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर राम और लक्ष्मण सभी गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। समस्त अयोध्या वासियों ने देख की मन धीरे गति से जाते हुए मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के पीछे पीछे कंधों पर धनुष और तरकस में बाण रखे दोनों भाई राम और लक्ष्मण ऐसे लग रहे थे मानो ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विन कुमार जा रहे हो। अद्भुत कांति से युक्त दोनों भाई गोह की त्वचा से बने दस्ताने पहने हुए थे। हाथों में धनुष और कटी में तीक्ष्ण धार वाली कृपाणें शोभायमान हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं शौर्य ही शरीर धारण करके चले जा रहे हों। लता विपणों के मध्य से होते हुए 6 कोस लंबा मार्ग पार करके वे पवित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। मुनि विश्वामित्र ने इसने युक्त मधुरवाणी में कहा, हे वत्स, अब तुम लोग सरयू के पवित्र जल से आचमन स्नादी करके अपनी थकान दूर कर लो। फिर मैं तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा। सर्वप्रथम मैं तुम्हें बला और अतिबला नामक विधाएं सिखाऊंगा। इन विधाओं के विषय में राम के द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ऋषि विश्वामित्र ने बताया, ये दोनों ही विद्याएं असाधारण हैं। इन विद्याओं में पारंगत व्यक्तियों की गिनती संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में होती है। विद्वानों ने इन्हें समस्त विद्याओं की जननी बताया है। इन विद्याओं को प्राप्त करके तुम भूख और प्यास पर विजय पा जाओगे। इन तेजोमय विद्याओं की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। इन विद्याओं को पाने का अधिकार समझकर मैं तुम्हें इन्हें प्रदान कर रहा हूँ। राम और लक्ष्मण के इस नादी से निवृत्त होने के पश्चात विश्वामित्र जी ने उन्हें इन विद्याओं की दीक्षा दी। इन विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर उनके मुख मंडल पर अद्भुत क्रांति आ गई। तीनों ने सरयू तट पर ही विश्राम किया। गुरु की सेवा करने के पश्चात दोनों भाई तृणशय्याओं पर सो गए। साथियों, आज हमने इस वीडियो में जाना विश्वामित्र का आगमन। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। आपके अपने चैनल कवर म्यूजिक इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।